फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रफुल्ल कानुनगो के बाड़े के अंदर ये पेड़ है, बहुत बड़ा लगा हुआ। देख इसके पक्षी थे, पक्षी एक सांप को पकड़ के लेके आए थे और वो सांप ऊपर से नीचे गिर गया है और अभी इस यहाँ पे घुसा हुआ है। तो अभी हम इसको देखते हैं और इसको रेस्क्यू करते हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो देखिए एक ट्विंकल स्नेक है, इधर आ जा पास। इसमें जहर नहीं आता क्यों सर? नहीं, इसमें जहर नहीं है, लेकिन ये एक अलग ही मुद्रा में आ जाता है। देखेंगे आप, जब ये चिड़चिड़ा होता है तो ये बिल्कुल ये इस तरह से खड़ा हो जाता है। देखो काटने के लिए ये बिल्कुल पूरा एस आकार में खड़ा हो जाता है। देखो ये ट्विंकल स्नेक है, ये इस टाइप से जब गुस्से में आता है तो इस टाइप से बाइट करने के लिए लपकता है। रेगिस्तान में सांप मिलो, रेगिस्तान में रहे इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं आता है, बिना जहर का ट्विंकल स्नेक। और ऊपर वाले ने इसको बहुत ज्यादा सुंदर बनाया है, आप देख सकते हैं किस टाइप से बाइट करने के लिए ये इधर मैदान। और देखिए तो पूछ पे पक्षियों ने घाव भी बना दिया, थोड़ा सा घाव आ गया है। तो देखिए इसकी पूछ पे थोड़े से घाव वगैरह भी बन गए हैं, जब पक्षी पकड़ के लाए इसको तो उसको चोंच वगैरह मार दी थी, थोड़ा सा घायल भी है। तो अभी हम इसे ये इस टाइप से खड़ा हो जाता है और जंप करता है फाइट करने के लिए। नया गया हो, फिर तो मुंडा कर लिया बात। इसे हम थैली में डाल लेते हैं। खड़ो करो, प्रयास नहीं कर रहे। हेलो फ्रेंड्स,
प्रफुल कानूनगो के घर से हम बाड़े में से एक स्नेक हमने रेस्क्यू किया था, जिसको पक्षी उठा के ले आए थे और पेड़ के ऊपर से वो गिर गया था नीचे। तो अभी हमने उसको रेस्क्यू कर लिया है और हम उसको फॉरेस्ट में रिलीज़ करने आए हैं। ये एक ट्विंकल स्नेक है और बहुत ज़्यादा सुंदर आता है ये स्नेक, काफ़ी सुंदर दिखता है ये स्नेक, प्रकृति ने इसको बहुत सुंदर बनाया है। और ये अटैक करता है तो बिल्कुल इस तरीके से अटैक करता है, आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये किस तरीके से अटैक करता है, मत भागो। तो देखिए ये अपना मुंह किस टाइप से चौड़ा करता है और ये इस टाइप से एस आकार में बनके और खड़ा हो जाता है और इसे बाइट करने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से आता है ये। ये देखिए कितना सुंदर स्नेक है। रुको आजा पास में, पास से ले इसको। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है ये स्नेक। आप देख सकते हैं देखिए किस किस अटैक की मुद्रा में किस तरीके से ये अपने शरीर को बताता है और इसका जो मुंह होता है वो ब्लैक कलर में होता है अंदर से, आप देख सकते हैं। जैसे कोबरा अपनी फन निकालता है इसी तरीके से ये भी सामने वाले को आगाह करता है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं काट खाऊंगा। वैसे इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता है, ये नॉन वेनिमस होता है, इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये किस तरीके से अपने अटैक करता है। ये इस टाइप से खड़ा हो जाता है बिल्कुल। तो अभी से हम जाने देते हैं। बोल दे मैं सांप पकड़ रहा हूँ। कह रहा है यार सांप खोल रही है, लगाते जरा देर से। हेलो हेलो लगाते जरा देर से, ये सांप छोड़ रहे अभी। अरे सांप छोड़ रहे अभी, लगाते जरा देर से। हेलो अरे लगाते हैं, पाँच मिनट से सांप जरा छोड़ रहे था। हाँ 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 घर जाके देख लें।
भैया जरा साफ छोड़े, भैया लगाते हैं। हाँ।